नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगला। हाजिर दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सब दोस्तों के साथ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा है वो है सूर्य ग्रह का राशि प्रवर्तक, जो कि इसी मंथ 17 तारीख को होने जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी 12 राशि और लग्न वालों को इस सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मिलने वाला है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य आत्मा पिता, हमारे पूर्वज, राजा, सम्मान, राजनीति, ठीक है, इन सब चीजों का कारक। जन्म चार्ट में सूर्य के शुभ प्रभाव से जातक को विभिन्न जो भी क्षेत्र हैं उनमें उनको अच्छा एक पद प्राप्ति या नेम फेम की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर यदि वो खराब हो तो बी फेम मिलता है, आंखों की रोशनी में कमजोरी देखने को मिल सकती है, सरकारी पक्ष या सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सूर्य के गोचर के दौरान जातक को कैसा परिणाम प्राप्त होगा ये केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस गोचर के दौरान सूर्य किस राशि किस भाव में उपस्थित होंगे और गोचर के समय किन ग्रहों से युति या दृष्टि संबंध अपना बनाए। जैसा कि हमने कहा कि 17 अगस्त इसी को इसी मंथ की जो सूर्य है वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब कर्क राशि से निकलकर अपनी ही सब राशि सिंह में वो एंटर करेंगे, जहां पर सेनापति मंगल और राजकुमार बुध उनका वेलकम करेंगे। और बिल्कुल ही फिफ्थ भाव के सामने 11th भाव जहां कुंभ राशि पड़ती है वहां पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान होंगे वक्री अवस्था में अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। तो कुछ लग्न वाले जो ये मंथ चलेगा 17 अगस्त से अक्टूबर तक, कुछ ऐसे लग्न होंगे जिनके साथ सूर्यदेव मिलकर मंगल के साथ मिलकर अपना केंद्र त्रिकोण संबंध बनाएंगे और साथ में देवगुरु बृहस्पति की भी ब्लेसिंग मिलेगी। और कुछ लग्न वाले ऐसे होंगे जहां सूर्य देव जो है बुध ग्रह के साथ मिलकर, राजकुमार के साथ मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक है उनकी भी ब्लेसिंग जो है इस मंथ मिलने जा रही है। इस मंथ जिन लोगों के रुके हुए काम थे वो उन सभी कामों में इस समय गति देखने को मिलेगी। सूर्य की यह स्थिति कई जातकों में जोश, ऊर्जा और उनमें शक्ति का संचार करेगा। इस समय दौरान आप में ऊर्जा और ताकत के कारण आत्मविश्वास में आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आप हर काम और परिस्थिति में खुद को अव्वल पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि 12 जो ये राशि लग्न वाले हैं इनको सूर्य देव 17 तारीख से इसी 17 अगस्त से क्या प्रभाव देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न वाले जातकों के बारे में। सूर्य आपके चार्ट में फिफ्थ भाव के स्वामी होकर फिफ्थ भाव में ही एंटर करने जा रहे हैं। ये भाव संतान का, प्रेम का, शिक्षा, पद प्रतिष्ठा, मंत्री पद आदि का। सूर्य के राशि गोचर से आपके आत्मविश्वास में इस समय बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने हर काम को बड़े ही अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष के लिहाज से देखें तो नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी आमदनी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। इस समय एक से अधिक जो सोर्सेस होंगे उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों फिफ्थ भाव कला का भी है, शेयर मार्केट का है, शिक्षा, प्रैक्टिस, सट्टेबाजी, धन जो संपत्ति है अचानक से मिलती है उन सब चीजें भी यहीं से देखी जाती है। प्रसिद्धि का भाव है, खेल का, बुद्धि का, मनोरंजन, नाटक, संगीत, डांस, लॉटरी, धार्मिक, जो भी काम सरकारी, जैसे मैंने कहा कि मंत्री पद हो, सरकारी सहायता हो, आध्यात्मिक काम हो, समाज जो है ये सभी कुछ जो है फिफ्थ भाव से देखा जाता है। इस समय आपको अपनी दूरदृष्टि से अच्छा लाभ कमाने का पूरा पूरा अवसर जो है सूर्यदेव देंगे। वहीं यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको इस दौरान काफी ज्यादा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय आपके अंदर
जबरदस्त उत्साह और अपने काम के प्रति जुनून देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप अपने अधिकारियों और अपने साथ काम कर रहे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब होंगे। राजनीतिक लोग जो राजनीति में है उनको वो नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, या कहिए कि जो है नई जो सीढ़ियां हैं ऊंचाइयां जो है उसको वो इस समय दौरान सूर्य के गोचर के समय दौरान प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए बात करें तो समय काफी अच्छा जाएगा। मेष राशि लग्न के जो स्टूडेंट हैं वह इस समय अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने और कुछ नया सीखने के प्रति उत्साहित होंगे। कुल मिलाकर कहें तो मेष राशि लग्न के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर, क्योंकि आपके लिए लगन भाव का स्वामी मंगल भी फिफ्थ भाव में होगा और बुद्धि का कारक बुध भी तीसरे से तीसरे भावत भावम नियम के अनुसार पांचवें भाव में होगा और गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग जो है इलेवंथ भाव से, जो कि भाग्य भाव का स्वामी है, वो भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा मेष लग्न वाले जो जातक राशि जिनकी मेष राशि है वो भी उनको काफी अच्छा समय इस दौरान देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर रहे थे वृषभ राशि का। सूर्य आपके चार्ट में फोर्थ भाव के स्वामी होकर फोर्थ भाव में ही एंट्री मारेंगे। यह भाव आपके सुख का, माता का, भाव वाहन का, भूमि का, आवास का भाव है। जो जातक किसी प्रॉपर्टी या लैंड में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए समय काफी अच्छा है। इस समय वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने जो भी आप बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे या जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उससे अच्छा लाभ कमाने में इस समय दौरान आप सफल होंगे। आपके अंदर कुछ भी निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वो उसमें आपका काफी अच्छा एक विकास होगा। आप अपने अच्छे कामों से समाज में अपनी एक अलग इमेज और अपना नेम फेम हासिल करने में कामयाब होंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं इस समय अपनी कंपनी या संगठन या जो भी उनको नगद पुरस्कार के साथ साथ प्रमोशन इस समय मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो क्योंकि फोर्थ भाव है, यहाँ पर मंगल सूर्य जैसे ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए पारिवारिक जीवन की बात करेंगे तो घर में अशांति का वातावरण बनने की पूरी पूरी संभावना है। माता को ब्लड प्रेशर या पेट से संबंधित कोई भी छोटी मोटी समस्या इस समय दौरान दोस्तों हो सकती है। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न वाले या राशि वाले जातकों के बारे में। सूर्य आपके चार्ट में थर्ड भाव के स्वामी होकर थर्ड भाव में ही एंट्री मारेंगे। थर्ड भाव से छोटे भाई बहन, हिम्मत, साहस, पराक्रम, राइटिंग, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू, छोटी यात्रा आदि का विचार किया जाता है। मिथुन राशि लग्न के जातक इस समय जो है उनमें साहस और ऊर्जा से वो भरे रहेंगे, जिसके कारण कई कामों को आप समय से पहले ही पूरा करने में सफल होंगे। छोटे बहनों को, बहन या जो भाई हैं या दोस्त हैं, आपको उनसे इस समय दौरान पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी इस समय जा सकते हैं। जो लेखक हैं, संपादक या खेल से जुड़े हुए लोग हैं, यह समय उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने कामकाज में अच्छा नाम पाने के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य जैसे काम भी करते दिखाई देंगे। हेल्थ के लिहाज से देखें, आप खुद को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए कुछ व्यायाम या जो जिम वगैरह है उसमें भी आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिता के साथ आपके रिलेशन इस समय ठीक रहेंगे। स्टूडेंट अपने राइटिंग स्किल का बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे उन्हें अपने सभी जो भी उनके प्रोजेक्ट होंगे पूरा करने में उनको सफलता हासिल होगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो जातक हैं दोस्तों, आपके चार्ट में जो सूर्य है वो सेकंड भाव के स्वामी होकर सेकंड भाव में ही आएंगे। सेकंड भाव जहां धन का भाव है, बैंक बैलेंस यहां से देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी भोजन करने का ढंग या हमारे जो वाणी है वो भी सेकंड भाव से ही देखी जाती है। इस समय जब सूर्य देव का गोचर आपके सेकंड भाव में होगा, मंगल भी वहां पर होगा, दोनों अग्नि तत्व प्लैनेट है, तो इस समय आप अपनी वाणी में जरूरत से ज्यादा कुछ ना कुछ सच बोलने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने करीबी लोगों को ना चाहते हुए भी अपने शब्द बाणों से घायल करेंगे या नाराज करेंगे। जो लोग अपने पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए समय बेहतर रहेगा। आप व्यापार में सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको अच्छा खासा इस समय लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट की बात करें
तो यह समय स्टूडेंट अपनी स्टडी में जो भी है बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं सबके इसके बाद सिंह राशि वाले जातकों के बारे में या लग्न वाले जातकों के बारे में। सूर्य आपके लग्न भाव के स्वामी होकर लग्न में ही प्रवेश करेंगे। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ, आपका करेक्टर, आपकी बुद्धि, आपका सौभाग्य, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। इस समय आप में ऊर्जा, आत्मविश्वास का जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। इस समय आप हमेशा खुश और संतुष्ट दिखाई देंगे। साथ ही यह समय आप अपने शरीर और फिटनेस के प्रति भी पूरे अलर्ट रहेंगे। आप कोई भी रिस्क लेने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा क्योंकि ऊर्जा से भरपूर होने के कारण कोई भी व्यापारिक डील करने से आप पीछे नहीं हटेंगे और उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग किसी उच्च मैनेजमेंट में या प्रशासनिक कुछ सेवा से जुड़े हुए उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपकी पकड़ अपने काम और टीम पर मजबूत रहेगी। साथ ही आप एक बेहतर टीम लीडर के तौर पर उभर पाएंगे। लेकिन साथ ही आपके स्वभाव में कुछ अहंकार, क्योंकि लग्न है, लग्न में मंगल और सूर्य की युति होने से अहंकार की झलक भी आप में इस समय द्वान दिखाई देगी। इस कारण से आप ना चाहते हुए अपने करीबियों को अपने ही शब्दों से घायल कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए समय जो है थोड़ा कष्टकारक रहने वाला, थोड़ा तो नहीं कष्टकारक रहने वाला है, क्योंकि इस समय दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ टकराव या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी पूरी यहाँ पर दोनों के बीच में संभावना बनी हुई है। साथ ही इस समय आपके पार्टनर को हेल्थ से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना भी इस समय करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्या राशि लग्न के जातकों के बारे में। सूर्य आपके फोर्थ भाव के स्वामी होकर फोर्थ भाव में ही मंगल के साथ और लग्नेश बुध के साथ गोचर करें। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इस भाव से विदेश, विदेश यात्रा, खर्च, दान आदि के बारे में विचार किया जाता है। जो लोग विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं या लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या जो लोग नौकरी में है और विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। यात्रा सेवाओं, मल्टीनेशनल, जैसे मैंने कहा कंपनी, जितने भी लोग होंगे उनके लिए ये कह सकता हूं कि पहले से जो भी समय अभी पहले निकला, एक मंथ दो मंथ निकला, उससे काफी ज्यादा बेहतर जो है परिणाम आपको मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही आपको इस दौरान अपने काम से संबंधित कुछ यात्राएं करने का मौका मिलेगा जिससे उन्नति के साथ साथ आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं तुला राशि या लग्न के जातकों के बारे में। सूर्य आपके 11th भाव के स्वामी होकर 11th भाव में ही एंटर करेंगे। 11th भाव आपकी जितनी भी हमारी डिजायर होती हैं, इच्छाएं होती हैं, ये 11th भाव से देखी जाती हैं। बड़े भाई बहन या जो भी गेम, जो भी प्राप्ति हो, वो 11th भाव से देखी जाती है। इस समय आपके विरोधी एक्टिव रहेंगे लेकिन इस समय दौरान आप साहसी और आत्मविश्वास से इतने भरपूर होंगे कि आप उनको हराने में सफल हो जाएंगे। इस समय आपका जो आर्थिक पक्ष वो मजबूत होगा। नौकरी पेशा जो लोगों के साथ यह समय जो है सैलरी में बढ़ोतरी उनकी इस समय हो सकती है। व्यापारी जो लोग हैं उनको भी इस समय काफी अच्छा खासा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे उनकी भी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही यदि आप अपना कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होगी या प्रयास होंगे आपको अधिक मुनाफा कमाने में सफलता दिलाएंगे। रिसर्च से जुड़े स्टूडेंट के लिए यह समय काफी अच्छा साबित होने वाला है। जो लोग लव रिलेशन में है इस समय आपके रिश्ते में तनाव देखने को मिलेगा। इवन की रिश्ता जो है आपका, जो लव रिलेशन है आपका, वो टूटने के कगार तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अब वृश्चिक राशि लग्न के जातकों के लिए। आपके चार्ट में 10th भाव के स्वामी होकर सूर्य मंगल के साथ जो लग्नेश है 10th भाव पर ही गोचर करें। इस भाव से प्रोफेशन, नेम, फेम, सत्ता आदि का विचार किया जाता है। यह गोचर आपको साहसी, हिम्मती बनाएगा जो आपके स्वभाव से साफ दिखाई देगा।
लोग आपके स्वभाव से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इस समय आप किसी भी तरह की आलोचना को पॉजिटिव रूप में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि आपके आत्मसम्मान आपके लिए सबसे ऊपर होगा। ऐसे में आप दूसरों को कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करके उनको उनके मन को जो है ठेस पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इस समय लेकिन आप अपने काम के प्रति यदि बात करें तो काफी गंभीर होंगे, आपको अपने हर काम में आसानी से सफलता मिलेगी, काफी ऊर्जावान रहने के कारण आप अपना टारगेट पूरा करने में भी सफल होंगे, जिससे आपको प्रमोशन मिल सकती है, प्रशंसा मिल सकती है। यदि आप किसी प्रशासनिक पद या सरकारी सेवा से जुड़े हों तो भी इस समय आप सफलता की सीढ़ियां जरूर चढ़ेंगे। इस समय आपके विरोधी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप उन्हें हराने में सफल होंगे, समाज में आपको नेम फेम मिलेगा, जिससे आप सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस समय आपको काफी हिडन सोर्सेस से या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जो जातक है या लग्न जिनका धनु है, सूर्य आपके चार्ट में नाइन्थ भाव के स्वामी होकर नाइन्थ भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। नाइन्थ भाव से भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा, पिता, हायर एजुकेशन, गुरु, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। इस दौरान भाग्य आपका दोस्तों पूरा पूरा साथ देगा। इस दौरान आपके साहस में वृद्धि तो होगी, साथ ही स्वभाव में पॉजिटिविटी दिखाई देगी। इस समय आप दूसरों द्वारा खुद पर हावी या कंट्रोल करना, मतलब दूसरे लोग आप पर हावी हों या आपको कंट्रोल करने की कोशिश में, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। यदि इस समय यदि आप कोई विदेश जाने के इच्छुक हैं तो यह समय विदेश यात्रा का योग्य समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। यदि आप टीचर या गुरु हैं तो आपके लिए समय बेहतर है, क्योंकि इस दौरान आप अपने शब्दों का सही से प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों को अपनी बात इस समय दौरान आप पूरी तरह समझाने में सफल होंगे और जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। नौकरी पेशा लोग इस समय अपनी जॉब बदलने के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिजाइन इस समय दे देंगे। इस समय धार्मिक कामों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और आप कई सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कुछ जातक किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए समय ठीक रहेगा। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेने की सोच रहे हैं उन्हें इस समय स्कॉलरशिप मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं मकर राशि या लग्न के जातकों के लिए। सूर्य आपके एट भाव का स्वामी होकर एट भाव में ही प्रवेश करेंगे। आठवां भाव आयु का भाव है, इससे आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां, चिंता, रुकावट, डीफेम, शत्रु, सब चीजों का विचार किया। इस समय आप अपनी आराम की वस्तुओं पर कुछ ना कुछ धन खर्च करते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। गुरु ग्रह का आपके सेकंड भाव में गोचर करने से आपका अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर अच्छा कंट्रोल रहेगा। साथ ही आप कई आध्यात्मिक गतिविधियों में भी खुद को बिजी रखना पसंद करेंगे। इस समय आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, अबिलिटी है, उसमें बढ़ोतरी होगी। इस समय लोग आपके आसपास रहना या आपकी कंपनी में रहना पसंद करेंगे। मतलब सूर्य का यह गोचर आपके स्वभाव में गजब का अट्रैक्शन पैदा करेगा। इस समय आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आएगा जो आपके विचारों का विरोध करेगा। इस समय सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो मकर राशि या लग्न के जातक है, इस समय दौरान उनको वाहन धीरे चलाने की सलाह दी जा रही है। वाहन दोस्तों धीरे चलाइए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बात करेंगे कुंभ राशि लग्न के जातकों के। सूर्य आपके चार्ट में सेवंथ भाव के स्वामी होकर सेवंथ भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। सेवंथ भाव से आपके जीवन साथी, जीवन में होने वाली बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में पता चलता है। इस समय आप अपने कामों में साहसी होंगे, कोई भी रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। इस समय साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर या जो भी कलाकार हैं अपने अपने क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता जो है हासिल उनको होगी। इसके अलावा ये भी साथ में हो सकता है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आप थोड़े से ज्यादा गर्मी में आ जाएं या तैश में आ जाएं, या अपनी प्रतिक्रिया जो है आप छोटी छोटी बातों पर देनी शुरू कर दें। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपका अपने पार्टनर के साथ अहम का टकराव, क्योंकि सूर्य जो है दोस्तों वो आपके मंगल जो है सेवंथ भाव में गोचर करेंगे,
और सेवंथ भाव में इन प्लैनेट का गोचर जो है वो ईगो देता है, ईगो क्रिएट करता है। इसलिए ईगो की वजह से कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में दिक्कत का सामना जो है आपको करना पड़ेगा। जॉब या व्यापार के लिए समय नॉर्मल रहने वाला है। आपकी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी बात को लेकर बहस या तू तू मैमा होने के संकेत यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं मीन राशि लग्न जो कि सबसे लास्ट, उसके बाद सूर्य आपके सिक्स्थ भाव के स्वामी होकर सिक्स्थ भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। सिक्स भाव से शत्रु, रोग, हमारा जो नान का परिवार है या हार्ड वर्क है, ठीक है, कर्ज, इसके बारे में विचार किया जाता है। यह समय मीन राशि लगन वाले जो जातक हैं, हेल्थ के लिहाज से आपके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता वो काफी ज्यादा बेहतर होगी। आप शारीरिक रूप से खुद को बेहतर पाएंगे। यदि आप किसी प्रशासनिक पद या सरकारी पद पर काम कर रहे हैं तो इस समय आपकी सफलता निश्चित है। इस समय आप सही समय पर सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे। ये भी हो सकता है कि इस समय जो जातक नौकरी की तलाश में थे काफी देर से, मीन लग्न या राशि के लोग, उनको इस समय दौरान सफलता मिल सकती है। उनको नौकरी जो भी वो ढूंढ रहे हैं अपने उस हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से, इस समय उनकी इच्छा यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। समाज में इस समय आपका दायरा बढ़ेगा, साथ ही आप अपनी लीडरशिप स्किल का इस समय बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। इस समय आप अपनी इमेज और अपने पहनावे को लेकर भी काफी सचेत रहेंगे, क्योंकि सूरज का जो एस्पेक्ट है, सूरज राजा है, उसका एस्पेक्ट जो है लग्न पर जाएगा। इससे आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होगी, आप दूसरों को अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। इस समय आप दूसरों से अपनी आलोचना स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका उनके साथ मतभेद या कोई ना कोई छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। इस समय आपके दुश्मन आपके या आपके जो कंपटीटर हैं व्यापार में आपके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, और फिर चाहे आप व्यापार में हो, नौकरी में हो, या फिर आप राजनीति के क्षेत्र में हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी सूर्य देव के बारे में, जो कि 17 अगस्त को कर्क राशि से निकलकर अपनी सब राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। चर्चा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।